यशवर्धन। और ये लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा। हिमांशु विकेट के पीछे, अच्छी कीपिंग कर रहे हैं हिमांशु। के पीछे अगली बॉल, और ये हल्के हाथों से खेला गया शॉट, एक रनों के लिए यशवर्धन। तो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं अभी तक, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। सीबी अगली बॉल, हल्के हाथों से गेंद खेला वहां पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोरर 1-2। सीबी अगली बॉल, कट किया वहां पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर, ओवर की समाप्ति। 14 ओवर में 78 रन बना चुकी है ओम स्पोर्ट्स क्लब, जो कि गोमती नगर की है। यशवर्धन राव लाए हैं बॉलिंग करने के लिए, और ये अच्छी बॉल थी, कैसे डिफ्लेक्ट हुआ पर सीधे मिड ऑफ के जाने फील्ड किया गया। राहुल एक बार फिर, और हल्के हाथों से खेला यशवर्धन ने, कवर्स के जाने रन लेने का कोई मौका नहीं, कोई नुकसान नहीं। सीबी अगली बॉल, राहुल की बॉल, यशवर्धन है स्ट्राइक पर, और ये ऑन साइड पर खेला है, वो फील्डिंग बहुत अच्छी किया यहाँ पर। शॉट एम्पायर के पास में बॉल गई। सीबी अगली बॉल, फुल टॉस गेंद को हिट करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर प्लेयर मौजूद, और ये रन आउट होने का खतरा जरूर हो सकता था। आदर्श और ये रन आउट होने का खतरा हो सकता था, लेकिन वहां पर मुश्किल। राहुल है बॉलर, हल्के हाथों से शॉट खेला वहां पर, एक रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। आलोक आए हैं बॉलिंग करने के लिए, यशवर्धन नॉन स्ट्राइक पर, और स्ट्राइक पर एक क्लब राइट ओवर बैट्समैन। हल्के हाथों से खेला वहां, गली की जानिब आदर्श मौजूद, एक रनों से नहीं। कैच होने का खतरा था यहाँ पर, मिस किया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए। सीबी अगली बॉल, और ये अच्छी बॉल थी, बहुत अच्छी बॉल थी, यहाँ पर खेलने में थोड़ा सा नाकामयाब रहे, तो दोनों ही बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये बहुत छोटी बॉल थी, और ये रन, और ये रन आउट होने का खतरा हो सकता है, और ये रन आउट, रन आउट हो गया, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एक विकेट। तो यहाँ पे एक विकेट अभी गिराया, विकेट सेकेंड इनिंग में काफी स्लॉट हो गया है, पूरी बैटिंग विकेट हो गई है, थोड़ा सा विकेट उखड़ भी गया है यहाँ पर। आलोक है बॉलर, एक विकेट अभी इन्होंने निकाला है, रन आउट के रूप में मिला है इनकी टीम को। अक्षत होंगे स्ट्राइक पर, आलोक बॉलर, हल्के हाथों से खेला गया, छह विकेट अगर निकाल लेते हैं तो निश्चित रूप से मैच जीत सकते हैं। वन बॉल टू गो, अक्षत है
बैट्समैन शॉट खेला है कवर्स के जाने, नहीं कोई नुकसान नहीं, ओवर की शमत। सचिन आए हैं बॉलिंग करने के लिए, लेफ्ट हैंडर बॉलर हैं, अच्छी बॉल डालते हैं। 6 विकेटों की ज़रूरत है यहाँ मैच निकालने के लिए। एस वर्धन हल्के हाथों से वहाँ पर खेला, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। तो अभी तक सचिन ने अच्छा गेंद किया, सचिन है बॉलर, अंडर 14 का यहाँ मैच चलता हुआ। सीबी सगलीवाल फिर हल्के हाथों से खेला गया शॉट, वहाँ पर कवर्स के जाने खिलाड़ी ने फील्ड किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। विकेट की ज़रूरत है, रन तो बहुत कम बचे हुए हैं पर विकेट की ज़रूरत। सीबी सगलीवाल शॉट खेला वहाँ पर, फिर कैबर्स की जानब खड़े खिलाड़ी ने फील्ड, थोड़ा सा खम्बल हुई वहाँ पर, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। सचिन एक बार फिर, अच्छी बॉल थी वहाँ पर, फिर खड़े खिलाड़ी ने फील्ड किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर सचिन हल्के हाथों से खेला गया शॉट, फील्ड किया यहाँ पर, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। यशवर्धन कट किया है वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्त, 17 ओवर 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 17 पे 83 4 विकेट के नुकसान पर। देवेश आए हैं बॉलिंग करने के लिए अपना अगला ओवर लेकर के। अच्छा तोंगे स्ट्राइक पर, यशवर्धन है नॉन स्ट्राइक पर। सीबी चलिए बॉल, और बहुत अच्छी बॉल थी वहां पर, कवर्स की जानिब खेला गया शॉट, खिलाड़ी मौजूद, एक रन से नहीं रोक पाएंगे, दूसरा रन भी लेना चाहते हैं लेकिन मना किया साथ खिलाड़ी ने, एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा खिलाड़ियों को। बीच अगली बॉल, अच्छा शॉट खेला यहाँ पर, सीधे खुद फॉलो थ्रो में कलेक्ट किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। ऑन साइड पर खेल लिया शॉट, वहां से अलमजोर मौजूद है, फील्ड किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। से संतोष करना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों को। गली की जानब खेला गया शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, सचिन दिव्यांश शॉट खेला वहां पर बहुत अच्छा, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। सीबी अगली बॉल, और कैच होने का खतरा हो सकता था लेकिन यहाँ पे मिसफील्ड हुआ, एक रन, और ये दूसरे रन के लिए जा सकते हैं, और ये आउट होने का खतरा था लेकिन यहाँ पर ओवर। सचिन एक बार फिर से आए हैं, लेग ब्रेक करते हैं, सचिन तो अच्छी बॉल कर रहे हैं अभी तक अपने टीम की तरफ से। यशवर्धन होंगे सामने, हल्के हाथों से खेला वहां पर, गैप में शॉट, एक रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। एक रन कंप्लीट किया और दूसरे रन के लिए दौड़ा है, दूसरे रन पूरा किया और फिर यहाँ पे हल्का सा मिसफील्ड, तो थोड़ा सा मिसफील्ड बहुत कर रहे हैं खिलाड़ी। अगली बॉल हल्के हाथों से खेला गया शॉट, एक रन कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। अगली बॉल फिर हल्के हाथों से खेला गया शॉट, आराम से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर विकेट पे खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से मैच जीत सकते हैं, बस विकेट पे खड़े रहने की ज़रूरत है दोनों ही बैट्समैनों को, और इनको विकेट की ज़रूरत। अगर यहाँ से 5 विकेट निकालने होंगे या मैच जीतने के लिए तो विकेट की ज़रूरत है। सचिन एक बार फिर से यशवर्धन के लिए, और ये खड़ा कर दिया है, निश्चित रूप से यहाँ पर कैच होने का खतरा था लेकिन
मिस टाइम हुए, कैच हो सकता था लेकिन तैयार नहीं थे सचिन। यशवर्धन ने हल्के से कट किया है वहां पर, रन लेना चाहते थे लेकिन खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। ओवर, ओवर की आलोक बहुत अच्छा शॉट खेला है यहाँ पर लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अक्षत बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छा शॉट, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। दो बॉलों अभी हो चुके हैं, दोनों पे रन नहीं आए हैं तो अच्छी। अक्षत और ये एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। यशवर्धन होंगे स्ट्राइक पर, अक्षत नॉन स्ट्राइक पर, बॉल करने के लिए तैयार। आलोक एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल सी बी से अगली बॉल और ये रन आउट होने का खतरा हो सकता है निश्चित रूप से लेकिन यहाँ पर मिस किए। आलोक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, यशवर्धन ऑन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर हैं अक्षत, तो दोनों ही बल्लेबाजी सेम कद काटे गए हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम की तरफ से, धीरे धीरे एक एक रनों से पहुंचाते हुए जीत की तरफ। और ये लेग स्टंप के बाहर थी बॉल, बहुत ज़्यादा बाहर, यहाँ पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, एम्पायर ने उसको खारिज किया, कोई नुकसान नहीं, बैट्समैन सुरक्षित अपने क्रीज में। आलोक एक बार फिर से बॉल करने के लिए तैयार और ये अच्छी बॉल थी, इसको हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति 91 पे 20 ओवर में 91 रन बना चुके हैं, 133 बनाने हैं जीतने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए मैच रुका हुआ क्योंकि यहाँ पे ड्रिंक्स चल रहे हैं, तो एम्पायर से थोड़ा बात करेंगे। यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको, बच्चे लोग मैच खेल रहे हैं और आप यशवर्धन और अक्षत दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको उनकी कैसी दोनों अच्छी बैटिंग लग रही है आपको, तो लगता है कि आप लोग ये काफ़ी देर तक खेलेंगे, ये पार्टनरशिप चल जाएगी तो मैच आप निकाल लेंगे, निकल जाएगी बैटिंग काफ़ी। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपका सुझाव अच्छा लगा।